हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका कल एग्जाम है, पोल साइंस का या जो हिस्ट्री का एग्जाम भी अगर किसी बच्चे का रहता है तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरे को पता है हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों का एग्जाम कल है, और अगर उनको नहीं समझ आ रहा क्या करें, अभी तक हमने कुछ नहीं कर, अगर आपने कुछ भी नहीं करा ना तब भी मैं आपके लिए बात करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मैंने बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बना रखी है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ दिख रही होगी, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। ओके, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये करके चले जाओ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा भी 1% भी डाउट है ना कि सर आपके ये जो पीडीएफ आप हमें दोगे उसके अंदर से आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको बोल दूँ कि हमारा एक दूसरा चैनल है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, हमारा एक दूसरा चैनल है भरत खोरवाल करके। ओके, ये रहा भरत खोरवाल करके, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है वैसे, और यहाँ पर आपको कुछ वीडियो दिख रही होगी। ठीक है, 2-3 दिन पहले ही जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं दिल्ली के अंदर खासकर, उनका एग्ज़ाम हुआ था, पोल साइंस का भी एग्ज़ाम हो चुका है और हिस्ट्री का भी एग्ज़ाम हो चुका है। एक तरफ मैंने उनका पूरा का पूरा पेपर सामने रखा और एक तरफ पूरा का पूरा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे और एक एक क्वेश्चन मैच करवा दिया। जिस दिन उनका पेपर था ना उसी शाम को मैंने उनसे पीडीएफ मांगी और मैंने ओपन करके पहले पूछा, ये लाइव है, ये दोनों वीडियो लाइव है, अगर यकीन नहीं आ रहा जाकर देख लेना। ठीक है, अब मैं एक, आप मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर एक बच्चे ने अपने फ़ोन से करा होगा कमेंट वगैरह, एक करा होगा, दो करा होगा, तीन करा होगा, चार करा होगा, जब ऐसे 100 के 100, 150 150, 200 200 मैसेज आते हैं ना तो समझ ही जाया करो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक एक मैच करवा दिए थे। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो सिंपल सीधी बात है, ये जो किसी भी दिल्ली वाले बच्चे से क्वेश्चन पेपर मांग लेना और फिर मैच कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इन पीडीएफ के अंदर से। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी, अगर आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर रखे। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बट जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी ना, मैं इसकी वीडियो भी दिखा दूँ, मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है। मैं पहले वो वीडियो दिखाता हूँ, राजनीतिक विज्ञान की येरी वीडियो, एक येरी वीडियो, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए येरी वीडियो, और जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है राजनीतिक सिद्धांत, येरी राजनीतिक सिद्धांत की वीडियो, येरी पॉलिटिकल थ्योरी की वीडियो, यानी मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अपलोड करी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अपलोड करी है। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है बट मैंने समझाने में ज़्यादा टाइम लिया है, इसलिए एक एक घंटे की, और 1 घंटे की वीडियो है ये वाली। ठीक है, ये वाली जो वीडियो है 41 मिनट की वीडियो है, 36 मिनट की वीडियो, तो मैंने समझाने में अच्छा खासा टाइम लिया है क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज आ सकती है। तो दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं करे तो ये करने हैं। अच्छा, ये मिलेंगे कहाँ से? या तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इन पीडीएफ वगैरह का लिंक दे दूंगा, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना आप उस पर जाओगे ना, टेलीग्राम चैनल का नाम दिखा देता हूँ पहले, मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स है, और आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको भी ये लिंक दिखेगा। आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने पहले जो पीडीएफ और वीडियोस आएगी वो हमारे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आएगी। थोड़ा सा नीचे करोगे तो ये देखो पॉलिटिकल साइंस की हमारे फर्स्ट बुक ये दे रखी और ये रही सेकंड बुक, इनकी पीडीएफ वगैरह दे रखी है, वीडियोज़ वगैरह भी दे रखी है। पीडीएफ और वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सिंपल जो है वो पीडीएफ और वीडियोज़ वगैरह खुल जाएगी। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ आ गई हो आपको। दोबारा से बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, एक भी, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, कुछ बच्चों के एग्जाम में मैप भी आ जाते हैं तो इसलिए मैंने मैप की भी वीडियो बनाई थी पोल साइंस वाले बच्चों के लिए, ये रही। अब ये मत बोलना यार मैप इंग्लिश हिंदी है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैप भी मेरे को इंग्लिश में बना के दो वीडियो, सर हिंदी में बना के दो। यार मैप क्या है इंग्लिश हिंदी? मैप में ऐसे थोड़ी ना कि इंडिया का मैप इंग्लिश में अलग है हिंदी में अलग है, सेम है मैप। ऐसे थोड़ी ना स्टेट का नाम इंग्लिश में अलग है हिंदी में अलग है, स्टेट का नाम भी सेम ही है ना। तो इस वजह से मैप जो है उसकी मैंने एक ही वीडियो डाली है, बाकी समझाने के लिए जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग डाली थी। ओके, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पीडीएफ का लिंक मैंने जैसे बता दिया, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखो कि आपको अपने प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखना। ऑल दो प्रेजेंटेशन की बात मेरे को उन बच्चों को बोलनी नहीं चाहिए जो बच्चे पीडीएफ से बिल्कुल लर्न करेंगे अच्छे से। देखो पीडीएफ देने का ना एक और रीज़न ये होता है कि ताकि आप जो डिट्टो आंसर लिखा है ना वही एग्जाम में लिखो। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने पूरा आंसर अच्छे से लिखा था, क्वेश्चन अच्छे से करा था, सर 5 में से 3 मिल रहे हैं, सर 2.5 मिल रहे हैं, सर 3.5 मार्क्स मिल रहे हैं, हमने तो पूरा आंसर लिखा था। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे ना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखते, आंसर तो लिखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखते। आंसर का पता होना, कॉन्सेप्ट का पता होना अलग बात होती है और उसको लिखना अलग बात होती है, समझ रहे हो? आपने वो 12th फेल अगर मूवी देखी है जो अभी आई थी तो उसमें वो बोलता है कि माई सेल्फ लिखो। अब अपने बारे में तो सब जानते हैं बट वो 8 मिनट में बंदा माई सेल्फ पूरा पेज नहीं भर पाता। तो मैं ये क्या समझा रहा हूँ आपको, आंसर को समझना अलग बात होती है, पता होना अलग बात होती है, लिखना अलग बात होती है। 5 में से 5 नंबर चाहिए तो पूरे के पूरे आंसर यही लिखने हैं आपको, डिट्टो। ठीक है, बाकी अगर आप अपने से भी बनाकर लिख रहे हो तो याद रखना अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और ये देखो क्वेश्चन कितने पार्ट में बटा हुआ है, जैसे ये देखो राजनीतिक सिद्धांत क्या और राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, तो दोनों को अलग अलग पैराग्राफ में या पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो। पॉइंट्स में लिखना आंसर, ये भी याद रखना, पैराग्राफ में लिखने की गलती बिल्कुल मत करना। दूसरी बात है, अगर सब हेडिंग हो सके तो वो बनाना, ठीक है, जैसे कि आपको ये सारे के सारे आंसर दिख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स में लिखा हुआ है, कुछ कुछ पॉइंट जो आपको है वो बड़े लिख सकते हैं, वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है, ये देखो बाकी सारे के सारे आंसर मैंने पॉइंट्स में लिख रखे हैं, तो इन चीज़ का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी अगर कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को बता देना, या तो टेलीग्राम पे मेरे को बता देना, टेलीग्राम पे मैसेज करके, या जब आप पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करोगे ना तो नीचे की तरफ मेरा नंबर भी दे रखा होगा, मतलब जब पीडीएफ या पेमेंट करने से पहले ही है ना मेरा नंबर दे रखा होगा, ठीक है। या तो मैं आपको बोलूँगा पहले लाइव देख लेना, अगर आपके दिमाग में अभी डाउट है तो लाइव वगैरह देख लेना, उसके बाद आप जब पीडीएफ वगैरह डाउनलोड वगैरह कर लोगे और फिर अगर दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में तो मेरे को मैसेज वगैरह कर देना, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी मिल आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मेरे को पता है बहुत अच्छा एग्जाम करके आओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो भी बना रखी है मैंने, है ना, तो ये भी देख लेना, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो, सारी की सारी पिक्चर जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी पिक्चर थी वो समझा रखी है लाइव के अंदर, ठीक है, और मैंने वीडियो भी अलग से पोल साइंस की बना रखी होगी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, या तो हिस्ट्री का एग्जाम आपका रह रहा होगा या क्लास 12th में मिलेंगे हम, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वाले को भी और मेन पॉइंट स्टडी वाले को भी, क्योंकि इसी पे बेसिकली मैं लाइव वगैरह आता हूँ और मेन पॉइंट स्टडी पे वीडियोस वगैरह आती है, और अभी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, उनका भी एग्जाम देखना, कॉपी करवाऊंगा, कॉपी करवाने का मतलब ये नहीं है कि कॉपी करवाने का मतलब है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखे हैं ना वो एकदम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये अगर किसी बच्चों को दिमाग में डाउट हो ना, तो जहाँ तक मेरे को पता है 23 तारीख तक तो शायद आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो 22-23 तारीख को ही हमारे पोल साइंस वाले क्लास 12th वाले बच्चों का पोल साइंस का एग्जाम है, रात को आ जाना लाइव में, मैं दिखा दूंगा एक एक क्वेश्चन के, क्लास 12th के भी एग्जाम में जो है वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।